भागलपुर के साक्षात थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 नंबर गुमटी के समीप एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय राजू हलवाई के रूप में हुई है। बता दें कि मृतक युवक स्थानीय निवासी महादेव तांती के मकान में पिछले 3 माह से किराए पर रह रहा था। वहीं घटना को लेकर मकान मालिक महादेव तांती ने बताया कि राजू मुंदीचक स्थित किसी सीमेंट की दुकान में मजदूरी का काम करता था और रोज की तरह बीती रात भी वह काम करके अपने कमरे पर लौटा था, लेकिन सुबह काफ़ी देर तक जब उसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो अन्य किरायेदारों को कुछ शंका हुई, जिसके बाद इसकी जानकारी उन्हें दी गई। मकान मालिक ने बताया कि उनके साथ किरायेदारों ने राजू के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से बंद दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा तो राजू अचेत अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ था और कमरे में जहर की खाली बोतल भी रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि उस वक्त तक राजू की मौत नहीं हुई थी और वह छटपटा रहा था, जिसके बाद मकान मालिक और किराएदार के द्वारा उसे आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर मकान मालिक महादेव तांती ने बताया कि राजू अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर किराए में रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी के बीच काफी कहासुनी होने के कारण उनकी पत्नी कुछ दिन पूर्व घर छोड़कर कहीं चली गई थी। साथ ही बताया कि पत्नी का कोई अता पता नहीं चलने से वह काफी परेशान था। वहीं घटना की जानकारी मकान मालिक के द्वारा राजू की पत्नी को दे दी गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मकान एंटर था, ठीक है। हाँ, हमारे मकान में ऐसा कन्याण जो दोनों रहती थी, ठीक है। हाँ, कन्याण गुस्सा से चली गई थी, ठीक है। और ये जो है कमा करके आता था, काम करके आता था, वही रेंटर सब मकान मालिक सब मकान मालिक थी। रेंटर जो है तो हमको बोला देखो क्या हो गया, हल्ला हो गया। तो हम लोग वहाँ पर आकर के देखे कि भाई हाथ हाथ पर कर हाय माए हाय बाप कर रहा था, तो जो है सबको ऐसी तोड़ कर करके निकाल करके कहते मायागंज ले जाइए, तो मायागंज तोड़ते ले जाए ले चलाए। हाँ, देखें ये भोजन ये खा लिया, ठीक है, भोजन खा लिया तो यहाँ आते थे डेट कर गया। अच्छा, ले जाने लाने के क्रम में मौत हो गई। अच्छा, कब से आपके यहाँ रह रहा था ये? हमारे यहाँ 2-3 महीना से रह रहा था। 2-3 महीने से रह रहा था, क्या काम करता था? सीमेंट की का काम करता था। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है मालूम नहीं? हमको नहीं मालूम है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में सोमवार को 2 हत्याकांड मामले में 4 अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजिता कुमारी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को अलग अलग धाराओं में आर्थिक दंड भी लगाया है। इसको लेकर अपर लोक अभियोजक दीप कुमार ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज बिंटोली चौक पर कांति महतो और संजय यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभियुक्त शंकर यादव, चितरंजन यादव, मुनेश्वर यादव एवं सुमन कुमार ने मिलकर मारपीट की और जब संजय यादव बचाव करने आए तो हत्या करने की नीयत से मुंह में पिस्टल सटाकर कांति महतो और संजय यादव को गोली मार दी थी, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। सहायक लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद चारों दोषियों को अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश रंजिता कुमारी की कोर्ट ने आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। सभी अपने अपने हाथ में लिए हथियार से फायर करने लगे, जिससे बादी का लड़का कांति महतो को कनपट्टी एवं अन्य जगह गोली लगी तथा संजय यादव के सिर एवं मुंह में गोली लगी, जिससे वो गोली लगने से गिर गया। तब शंकर यादव अपने हाथ में पिस्तौल से संजय यादव के मुंह में पिस्तौल डालकर जान मारने के लिए फायर कर दिया, जिससे संजय यादव की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर। गौरी यादव ने अपने पिस्तौल से बादी के पुत्र कांति महतो के बाएं आंख में सटाकर फायर कर दिया, जिससे उनका लड़का कांति की मृत्यु भी वहीं पर हो गई। सभी युक्त देख कर के दोनों मर गया तो वो लोग वहाँ से भाग गया। क्या सजा सुनाई गई? हाँ, सजा इन लोगों को आजन कारावास 302 में आजन कारावास और 30,000 रुपया का अर्थदंड फाइन और 147 में 1,000 ये क्या 1 वर्ष और 1,000 रुपया फाइन और 148 में 1 वर्ष और 1,000 रुपया फाइन और 27 आसमेंट में
तीन वर्ष और 5,000 रुपये का जुर्माना। अपना परिचय, मेरा नाम दीप कुमार, सरकारी वकील। गंगा का जलस्तर बढ़ने और कई जगहों पर कुछ दिनों पूर्व हुई बारिश के बावजूद भागलपुर में लोग जल संकट की समस्या से त्राहिमाम हैं। बरारी वाटर वर्क्स के मोटर में अक्सर खराबी के कारण और नगर निगम के पास पर्याप्त तो वाटर रिसोर्सेज नहीं होने से शहरवासियों के घर तक नियमित रूप से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। भागलपुर शहर की लगभग 40% आबादी नगर निगम के सप्लाई वाटर पर निर्भर है, जबकि निजी बोरिंग पर निर्भर करीब 11% आबादी भी कई कारणों से आवश्यकता अनुसार नगर निगम से सप्लाई पानी पर ही आश्रित है। सरकार और जिला प्रशासन के साथ नगर निगम की ओर से जलापूर्ति समस्या का समाधान करने और लोगों को जल संकट की समस्या से राहत दिलाने के लिए बैठकों में कई योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन बावजूद इसके प्रत्येक वर्ष लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। बता दें कि बीते दिनों शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित मानिकपुर समेत वार्ड संख्या 50 और 51 का इलाका जल संकट से जूझता रहा है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने नगर निगम परिसर में भी हंगामा किया था, जिस पर निगम के उपनगर आयुक्त ने लोगों को शांत कराने के लिए समझा बुझाकर काम पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर से पदाधिकारियों का वादा कोरा साबित हुआ और शहर के मोहल्ले में लोग अभी भी पानी आपूर्ति की समस्या से जूझने को विवश हैं। वहीं इस मामले में नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि लोगों को जलापूर्ति की काफी समस्या है, जो बोरिंग में खराबी होने के कारण उत्पन्न हो रही है। बरारी वाटर वर्क्स में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन शहर की बड़ी आबादी की निगम के पानी पर निर्भरता के कारण मोटर में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। महापौर ने कहा कि इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए निगम की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में और 10 से 12 जल मीनार बनाया जाएगा, जिससे शहरवासियों को जल संकट की समस्या से राहत मिल सके। साथ ही मेयर ने कहा कि जल्दी ही इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। पानी का जलस्तर तो हमारे भागल क्या सभी जगह का नीचे चला गया है, एक तो ये कारण है, और इतनी गर्मी के कारण बहुत जगह का बोरिंग फेल हो गया है। जो फेल बोरिंग है हमारे यहाँ 5 है, 5 बोरिंग फेल हो गए हैं, जिसका कि टेंडर में चला गया है और जल्द ही उस नया टेंडर होकर के नया बोरिंग बनेगा और उससे फिर जलापूर्ति की समस्या दूर होगी। दूसरी बात, हमने अभी 2-2 पियाऊ दिया है हर एक वार्ड में, 51 वार्ड में, तो उसका भी टेंडर तैयार है, प्राकलन तैयार होकर के टेंडर में चला गया है, अब वर्क ऑर्डर मिलने वाला है और उसमें जल्दी ही हाथ लगेगा और हर वार्ड को 2-2 पियाऊ मिलेगा, तो उससे भी बहुत हद तक निजात मिलेगा पानी का। और अभी 10 जल मीनार बन के तैयार है, तो उसके बस कनेक्शन बाकी है, 2 का कनेक्शन तो हो गया है और 8 का बस होना बाकी है, उसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं जो अभी पूरी करके उसका कनेक्शन किया जाएगा और जलापूर्ति भी 1 से सुनिश्चित किया जाएगा, बस 1-2 दिन में बोला गया है कि जलापूर्ति उससे होगी। तो मुहर्रम की 11वीं तारीख को सुल्तानगंज नगर के विभिन्न स्थानों से पहलाम के लिए रविवार देर रात ताजिया जुलूस निकाला गया। सुल्तानगंज मुख्य चौक पर पहलाम को लेकर मेला सा नजारा दिखाई पड़ा, जहां बच्चे, महिला और पुरुषों ने जमकर खरीदारी भी की। वहीं पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवकों ने कई साहसिक कर्तव्य भी दिखाए, जहाँ देर रात प्रसिद्ध मुरली पहाड़ी शाही मस्जिद में पहलाम संपन्न हुआ। वहीं युवकों ने अपने अपने अखाड़े के साथ देर रात तक पारंपरिक हथियार, लाठी, डंडा और भाला के साथ साहसिक कर्तव्य दिखा रहे थे। वहीं पहलाम को लेकर रात 9 बजे के बाद शहर की बिजली को ताजिया गुजरने वाले क्षेत्र में बंद कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं पहलाम के साथ देर रात मुहर्रम भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बिहार में अल्प वर्षा के कारण राज्य सरकार ने सुखाड़ की घोषणा कर दी है, जिससे खेतों की सिंचाई के लिए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान का भी प्रावधान किया है, जिससे किसान इसका लाभ लेकर अपने खेतों की सिंचाई कर सके। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में 2 नदियां हैं, चांदन और अंदरी, जो बरसात के मौसम में भी पूरी तरह सूख गई है, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए विकट स्थिति पैदा हो गई है, जो सिंचाई के लिए इन नदियों पर निर्भर है।
नदियों में पर्याप्त पानी के बिना किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आजीविका काफी प्रभावित हो रही है। नदियों में पानी की कमी के कारण स्थानीय लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है और उन्हें इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान जीवित रहने के तरीके भी खोजने पड़ रहे हैं। स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। पानी की कमी और क्षेत्र में लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव को दूर करने के लिए अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, जिससे किसान अपनी फसल को सींच सके। हमरे बगल से तो अंधरी और चानन दोनों बगल से जा रहा है, हम लोग बीचे में हैं। नदी में पानी नहीं है? नहीं, पानी तो कुछ भी नहीं है। तो सरकार अगर कह रही है कि हम डीजल अनुदान देंगे ताकि आप धान का बिचड़ा बचाइए और खेत में रोपाई करिए, तो हम अनुदान लिए हैं? अभी एक बार अनुदान नहीं मिला है। कैसे लिया जाता है जानते हैं? नहीं, वो भी नहीं जानते हैं। किसी से नहीं पूछे? नहीं पूछे थे एक बार किसान सलाहकार से, लेकिन किसान सलाहकार बोला कि मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इस बार भी अब की बार तो अभी कुछ नहीं मिला है अभी हम लोग को। अच्छा, एक बात होती है, डीजल अनुदान देने से खेती जो होता है वो सही हो पाता है? पर्याप्त है पानी? पानी तो अब ऊपर मशीन पानी नहीं उठा पाता है, तो कहाँ से होगा? काहे नहीं पानी उठा पाता? पानी तो यहाँ 60 फीट लीयर नीचे चला गया है पानी। वही तो सोचते हैं, पर तो डीजल लगाए थे नदी में, नहीं तो बरसा हुआ तो पानी नदी से धान रोपे थे थोड़ा सा कर, और आधा आधे बिहार तो पड़ती रह गई है। अबरी बार क्या सीन देख रहे हैं? अबरी तो वो भी नदी में पानी नहीं आया, न बरसा हो रहा है, बिजड़ा किसी तरह से बचा रहे हैं अभी।